गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। रात के 8 बज रहे हैं एंड आई एम रियली सॉरी कि रात के 8 बजे ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अब रात के 8 बजे स्टार्ट करने का व्लॉग यही कारण है कि आज घर में ना बहुत सारा इलेक्ट्रिक का काम हुआ, जिसकी वजह से ड्रिलिंग की जो वो मिट्टी होती है ना, वो पूरे घर में फैली हुई थी, उसे साफ़ करने में ही काफ़ी समय चला गया है। पर फाइनली घर में जो भी इलेक्ट्रिक का काम होना था हो गया। ये देखिए मीठी चटनी बन रही है हमारे घर में, और शेफ पूजा गुप्ता यहाँ पर लगी पड़ी है और हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं। रेडी हो गई यहाँ पर ये स्पेशल आलू। अच्छा मेरे हाथ मत देखिएगा बिल्कुल भी, ये काले काले इसलिए दिख रहे क्योंकि ये जो लाइट दिख रही है ना आपको, इसे मैंने लगाया है और वो जो फेवी बॉन्ड से लगाया है, और फेवी बॉन्ड जो मेरे हाथ में चिपक गया कुछ ऐसा काला हो गया, तो मैं रात में ऑयल से इसे निकालूंगी। इग्नोर करो वो सारी चीज़ें। और ये है आलू का स्टफ, तो उस आलू के स्टफ में लहसुन मिर्चा अदरक हरी धनिया ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से आलू को अच्छे से मैश कर लिया है और उसी के आज पराठे बनने जा रहे हैं। और मेरे किचन में भी काफ़ी ब्राइटनेस लग रही होगी आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये बंद हो गया, यहाँ पर एक ट्यूबलाइट लग गई है क्योंकि बहुत अंधेरा अंधेरा लगता था। अब कुकिंग करने में अंधेरा नहीं लग रहा है ना, अभी लग रहा होगा खैर अभी नहीं लग रहा है ना, काफ़ी ब्राइट हो गया बहुत ज़्यादा। और क्या क्या लगा है चलिए मैं आपको थोड़ा सा ऑफिस लेकर जाकर दिखाती हूँ। और ये हमारे इस्त्री वाले भैया यहाँ पर कपड़े रख कर गए हैं, तो इसे भी अंदर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको गणेश जी दिखेंगे, गणेश जी लगा दिए हैं। अच्छा लॉक है, इतना अंधेरा क्यों है, आधी तो सारी लाइट्स लगाई है हमने। ओके तो सबसे पहले लाइट यहाँ पर एक लगी है क्योंकि यहाँ पर शूट होंगे कुकिंग वीडियोस, और यहाँ पर भी एक लाइट लग गई है और ये तो पहले से ही थी। और वो जो खड्डा हो गया ना उसे कल हम लोग ठीक करवाएंगे, ठीक है उसे इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर ये सारी हमारी प्ले बटन्स लग चुकी है, सिल्वर और गोल्ड दोनों भी। और इतना ही नहीं, अरे हटो भाई, ये जो सामने दिख रहे हैं ना फ्लास, ये भी पेंटिंग लग चुकी है। और इतना ही नहीं, अब मेरे इस कमरे में उजाला ही उजाला, इतना ज़्यादा उजाला हो गया। सो दो ट्यूबलाइट यहाँ पर, एक तो यहाँ पर पहले से थी, ये दो लग गई है। और गंदगी देखिए, ये खतरनाक गंदगी जो कल साफ होगी, उस घर की तो खैर हमने कर दी, ये कल बाई आएगी तो वो कर देगी। तो अब ये रूम पूरी तरह से शूट के लिए रेडी हो ही गया है ऐसा आप बोल सकते हो। और कुछ नए आउटफिट आए हैं उन्हें मैंने यहाँ पर टांगना चालू कर दिया, हालांकि वो रॉड जो है पर्दों की है पर ठीक है, कुछ ऐसा मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। और ये न्यू कर्टन्स ये हार्ट वाले ये भी आए हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर तो आंवला भी कट रहा है। भाभी आप क्या बन रहा है? आंवले की चटनी, धनिया टमाटर की चटनी, और टमाटर की चटनी मीठी हो गई है और उसके बाद भी रख दिया जाएगा सेजवान चटनी अगर लगता है कि जरूरत पड़े। आपको लगता है इतनी चटनियां जब हाथ से बन रही है हम लोग सेजवान चटनी की तरफ देखेंगे भी? अचार भी तो है हमारा, अचार भी है, हम इन दोनों को बिल्कुल नहीं देखेंगे, अचार और सेजवान चटनी, इतना अच्छा अच्छा बन रहा है। ये देखिए आंवला छिल रहा है, किसकी हिम्मत होगी देखने की। और यहाँ पर इस तरह से भाभी जो है प्रिपरेशन करके रख रही है, फिर पराठे बनाने आसान हो जाएंगे। और गाइस इतना ही नहीं, आज यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा ट्यूबलाइट लगी है। रीज़न इस कमरे में आप देख रहे हो कैसे अंधेरा जैसा लुक आता था जो हम बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, तो अब देखिए क्या रोशनी, मतलब यहाँ पर आपको लग रहा होगा वरना इस कमरे में जैसे लग रही है जान आ गई है। और वो जो फोटो फ्रेम है ना वहाँ पर मेरी फोटो थी जो निकल गई है, मैं लगा लूँगी। तो ऐसे काफ़ी सारे काम तो हो रहे हैं धीरे धीरे, बस ये एक काम ना रह जा रहा है, ये जो मिरर है ना बस ये लग जाए, क्योंकि ना एवरीडे मुझे ना एक घबराहट लगी रहती है इस मिरर के लिए कि भाई झाड़ू वगैरह लगाते समय, पोछा लगाते समय मैं हमेशा दीदी को बोलती हूँ कि प्लीज़ प्यार से इसको धार मत लगाना, धक्का मत लगाना, क्योंकि एक डर लगा रहता है मेरे अंदर। अब देखिए इतनी प्यारी भाभी है कि लगी पड़ी है बनाने में, अब आप सोचेंगे कि मैं हेल्प क्यों नहीं कर रही हूँ, भाभी करने नहीं दे रही है, तो कोई नहीं, ये जो मैंने अपना बेडरूम इतना फैला रखा है क्योंकि क्या हुआ यही सारे कामों में आज पूरा दिन बिजी रही और ये बेडरूम के तरफ मैंने ध्यान दिया ही नहीं। हालांकि मैं थोड़ा सा लेटी थी दोपहर में, पर वो भी नसीब नहीं हुआ क्योंकि 5 मिनट्स बाद कोई आ गया था डिस्टर्ब करने।
बाय द वे, अगर आप लास्ट 2 दिन से मुझे सेम ये जैकेट में देख रहे हो तो प्लीज़ मैं आपको बता दूँ, रात के समय पर ही मैं इसे पहनती हूँ 2-3 घंटे के लिए और सोने से पहले निकाल देती हूँ। फिर सुबह इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है पर शाम से ठंड लगने लगती है। यहाँ पर यह आंवला की चटनी पीस गई है जिसमें सिर्फ नमक और हरी धनिया पड़ा है। तो यहाँ पर ये भाभी का पराठा देखिए क्या फूल गया है। हुआ भाभी इसको पलटो, ये तो मेरा कैमरा पलटा देगा इसको। वाह यार क्या फूल रहा है। भाभी की स्पीड इतनी कि जब तक मैं सिर्फ एक पराठा सेक रही हूँ तब तक भाभी के 4 पराठे बन जा रहे हैं। और ये क्वालिटी देखिए पराठे का, हुआ खाने में बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर इन दोनों की शॉपिंग चल रही है विंटर वेयर कलेक्शन की। दोस्तों कहाँ तक पहुँची है शॉपिंग? अभी क्या होता है ना भाइयों, अपना दुखड़ा रहने दो। किरण ने ऑलरेडी 20,000 रुपए के स्वेटर ले लिए हैं। अपना दुखड़ा रहने दो यार। तो मैं और बेबी भी डिसाइड किया एटलीस्ट 20,000 में हम दोनों ले लेंगे। 10,000 के कितना होता है इन दोनों पर। बहुत बहुत अत्याचार होता है ये। वाह यार बेबी बहुत अच्छा, क्रिसमस में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये ले लो, वो मेरी क्रिसमस ही लिखा है उस पर। मेरी क्रिसमस ही लिखा है तो रोज पहन ले पाएगी। ये पता नहीं है वो पता नहीं, उसका वैसी खुशबू ही नहीं आ रही है जैसे क्या आप करती हो। कि कहाँ से तोड़ कर लाया? मैं जंगल से लाया। तो जंगली कड़ी पत्ता होगा फिर। स्मेल तो बिल्कुल वैसे ही आ रही थी, लेकिन खाने में थोड़ा कड़वा लग रहा था, मुझे पता नहीं क्या है। खाए क्या? क्या चीज? वही तो सब लोग खा के उठ गए। पहले बताओ तो जो खाया कैसा लगा? बहुत अच्छा बहुत टेस्टी थे। डेलीशियस, मस्त। हमारे प्लेट खाली है वही बता रहे, प्लेट को ही खा लिया। नहीं सच में बहुत अच्छे बने। मैं कंटिन्यूस जो है ना कंटिन्यूस खा रहा हूँ, ये मेरा 5वां है। तो रात के ऑलमोस्ट 11:25 हो रहे हैं और अभी अभी हमने जो कल की बची हुई मूवी थी ना मीनाक्षी सुंदरम नेटफ्लिक्स पर आई है उसे भैया भाभी अनिका राज सबके साथ बैठकर फिनिश की है और बहुत अच्छी मूवी है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। पर मैंने सोचा कि सोने से पहले आपको मैं अपने नए किचन का थोड़ा सा टूर दे दूँ, क्योंकि मेरे मन में था कि जब ये लाइट में ये जो बैकग्राउंड में दिख रही है ना ये लग जाएगी तो मैं आपको दूंगी, तो आज दे देती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि ये मेरा फाइनल किचन का लुक होगा, बट स्टिल आई रियली वॉन्ट टू शो यू कि यार मेरा नया किचन है कैसा। तो सबसे पहले ये कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ से चालू होता है वहाँ तक है और ये एक ओपन किचन है। ये सब रात के बर्तन हैं जो अभी हमने खाए पिए, जो बर्तन निकले हैं ये कल सुबह बाई आकर धो देगी। और यहाँ पर मैंने ये वाला मेरा जो वुडन रैक था वो लगाया है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं लगाने वाली हूँ जो अभी मैंने ली नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक्वाश्योर का एकदम न्यू वाटर फिल्टर है और ये क्रॉम्पटन का वाटर गीज़र जो अभी जाड़े में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। और यहाँ पर मैंने कुछ हुक्स लगाए हैं इन चीज़ों को टालने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर तो ये मेरा प्लेट का स्टोरेज है, बट आजकल हम लोग धुले हुए बर्तनों को इसी पर रखते हैं क्योंकि नीचे की तरफ यहाँ पर प्लेट्स रखने का ऑप्शन है। पुराने घर में ऐसा नहीं था इसलिए मैंने ये लिया था। ये मेरा कप स्टैंड है, ये मेरा नीम जूस है यहाँ पर, और पीछे की तरफ सारे ट्रे है। और ये मैंने जो स्टैंड है ना ये भी अमेज़ॉन से लिया, माइक्रोवेव स्टैंड बोलते जिसे। तो ये हो गया माइक्रोवेव, मेरा ये सैंडविच मेकर, एयर फ्रायर, सूप मेकर, चॉपर एंड ये जग यहाँ पर रख दिया है। और इग्नोर करिएगा इस पोहे को जिसे मैं लेकर आई थी, कल बनेगा तब ख़त्म हो जाएगा। और ये एकदम प्योर गाँव देसी का देसी पोहा है। और ये मुझे इसे ना यहाँ पर लगवाना है क्योंकि ये बहुत गंदा दिखता है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये सारे प्लग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते,
ठीक है। और ये मेरा फूड प्रोसेसर, राइस कुकर, और यहाँ पर थोड़ा स्पेस मिल जाता है काफ़ी, कि यहाँ पर हम लोग अपनी वेजिटेबल्स एंड ऑल चॉप वगैरह कर लेते हैं। और ये तो आप जानते ही हो मेरा स्टोव, गैस स्टोव। और यहाँ पर मुझे चिमनी भी मिली है, और यहाँ पर मेरा ये रोटी का टांगने वाला सब कुछ, टिश्यू पेपर होल्डर, किचन टिश्यू, नमक, हल्दी, तेल, जीरा राई, सब कुछ यहाँ पर, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो, स्पून। तो इस तरह से ये दिखता है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर क्रॉकरी यूनिट है, इसमें लाइट भी है, लगा दूँ मैं पहले। तो मैंने अभी अभी नोटिस किया कि ये वाली लाइट नहीं चालू हो रही है, तो यहाँ पर एक लाइट थी जो कि चालू होती है इसके अंदर गाइस, और ये ना इस तरह से खुलता है, ये हाइड्रोलिक ओपनिंग इसमें दी है। और यहाँ पर पता नहीं लाइट क्यों नहीं चल रही है, कल इलेक्ट्रिशियन भैया एक बार फिर से आएंगे, कुछ काम अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, तब उन्हें मैं दिखा दूँगी। और नीचे ये सब बर्तनों का वगैरह स्टोरेज है, ऊपर सारे जो भी अपने कंटेनर्स होते हैं उनका स्टोरेज है, और मैंने अपना जो रेगुलर यूज़ वाली क्रॉकरी है उन्हें यहाँ पर रखा है। तो इस तरह से ही मेरा एकदम छोटा सा ओपन सा किचन है। और मैंने ना यहाँ के लिए ना किचन कर्टन्स मंगवाए हैं, जो होते ना हाफ वाले, वो मंगवाए, तो जब आ जाएंगे तब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। बट यहाँ से मैं आपको बता दूँ, जो बालकनी हमारी पड़ती है यहाँ से, मतलब बाहर के लोग हमारे किचन में आर पार देख पाते, और हम भी बाकियों के किचन में आर पार देख पाते। मतलब लिटरली मुझे पता हो गया अभी कि कौन अपने किचन में कितने बजे आता है। सो आई डोंट वॉन्ट डैट कि मुझे भी कोई इस तरह से देखे बाहर से, इसीलिए मैं यहाँ पर एक छोटा कर्टन लगाऊंगी, नॉट लाइक इधर तक आएगा, ऐसा नहीं होगा, हाफ रहेगा। तो पता नहीं वो कैसा दिखेगा, कोई आइडिया नहीं है, पर अमेज़ॉन पर मिल रहा था तो मुझे वो अच्छा लगा, अभी ऑर्डर प्लेस किया है, जब आएगा लगेगा तब तो मैं आपको दिखाई दूंगी। तो ये है मेरा न्यू किचन, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं थोड़े से चेंजेस सोच रही हूँ, मुझे कुछ चीज़ें कैसी चाहिए पता है, मैं चाह रही हूँ ना कि ये दोनों चीज़ें भी ऊपर हो जाए और ये नीचे का स्पेस मुझे एकदम खाली मिल जाए। क्योंकि आपको पता है जब हम लोग चॉपिंग करते हैं या कुछ खाना वगैरह पकाते हैं तो थोड़ी स्पेस चाहिए होती है, जो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी फील होती है कि कम है एज़ कम्पेयर टू मुंबई वाला वो किचन। पर वो भी रेंट का घर था, ये भी रेंट का घर है, तो थोड़ा सा तो चलता है, एडजस्ट करना पड़ता है। ये थोड़ा किचन छोटा है मुंबई के किचन से, पर ठीक है, पहले मुझे लग रहा था, अब मुझे इसकी भी आदत हो गई है, तो अब मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगने लग गया है। तो फाइनली मेरे हाथों में जितना भी फेविबॉन्ड लगा था और उसकी वजह से जो एक हाथों का हाल हो गया था, काफ़ी हद तक निकल गया फेविबॉन्ड, अब नहीं है। और मेरा ना मॉर्निंग रूटीन भी आजकल काफ़ी बदल चुका है, मैं सुबह उठकर काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करती हूँ, 7 बजे 7:30 बजे तक एक्टिविटीज़ के लिए निकल जाती हूँ और 9 बजे से पहले नहीं आती। सो वो सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हो, मेरा न्यू मॉर्निंग रूटीन देखना चाहते हो, तो जस्ट लेट मी नो बिलो इन कॉमेंट बॉक्स। एंड चलिए फिर ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, आई होप जैसा भी था आपने पसंद किया होगा। आप किस तरह के व्लॉग्स यहाँ से लखनऊ से देखना चाहते हो, प्लीज़ लेट मी नो बिलो इन कमेंट बॉक्स। चलिए फिर, टिल देन, बाय बाय गाइस, टेक केयर।